हेलो एवरीवन, स्मार्ट हेल्दी रेसिपीज़ में मैं जयश्री आप सब लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाला है ना दोस्तों, तो बहुत सारा स्वीट बनाना है, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ फोर यानी कि चार स्वीट डिश की रेसिपी के वीडियो शेयर करने वाली हूँ। क्या है दोस्तों, पूजा के टाइम घर में बहुत सारा काम होता है, इसीलिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से कम समय में कैसे मैं चार चार स्वीट डिश बनाती हूँ उसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट रेसिपी है पोहा लड्डू। पोहा लड्डू में मैंने आलमंड पाउडर यूज़ किया, घी यूज़ नहीं किया। क्या दिया है उसके बदले में, मैं उसके लिए मेरा वीडियो देखना होगा। मेरा सेकेंड रेसिपी है मलाई लड्डू। मलाई लड्डू में मैंने कैजू नट को थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद वो स्टफिंग में दिया, इससे यह ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड मेरा थर्ड रेसिपी है मिलेट लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत ही स्वादिष्ट भी है, क्योंकि इसमें मैंने आलमंड पाउडर यूज़ किए। और क्या क्या दिया हो उसके लिए तो मेरा वीडियो देखना होगा दोस्तों आप लोगों को। एंड द फोर्थ दैट इज़ लास्ट एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गणेश पूजा मदक के बिना नहीं होती है ना दोस्तों, एंड मैंने ये मदक बहुत ही नया तरीके से बनाई हूँ, यानी कि टोटली नया रेसिपी है मेरा मदक। यह रेसिपी का नाम है ग्रीन मैंगो फ्लेवर मदक। ग्रीन मैंगो फ्लेवर मदक में मैंने ग्रीन मैंगो एसेंस यूज़ किया है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, यम्मी होते हैं। ये सब लोगों के लिए टोटली नया है दोस्तों, तो आप लोग मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्या है दोस्तों, आप कहीं पर भी स्किप कर जाए तो आपको मिस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखना शुरू करते हैं। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे ना, आप लोग लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल में नया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कैसे हुआ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा जरूर। एंड मेरी तरफ से आप सब लोगों को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। तो दोस्तों, पहले मैं पोहा लड्डू बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक बोल में पोहा लिया हुआ, उसको मैंने पैन में दे दिया। अभी क्या करना है दोस्तों, इसको रोस्टेड करना है धीमे आंच पर, एकदम लो फ्लेम में। तो इसलिए इसको कंटिन्यूसली स्पैटुला से चलाना भी है। जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा। अभी क्या करूँ दोस्तों, ये रोस्टेड हो गया, इसलिए मैंने ग्राइंड में दे रही हूँ अच्छे से ग्राइंड होने के लिए। इसके साथ मैं दो छोटा इलायची यूज़ कर रही हूँ, दे रही हूँ यानी कि डाल रही हूँ। इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी क्या करना है दोस्तों, एक पैन लेना है, उसमें जगरी को डालना है, थोड़ा सा पानी भी देना है। इसके साथ पानी के साथ जगरी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तब तक इसको स्पैटुला से चलाना है दोस्तों। जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। क्या करना है, जगरी को अच्छी तरह से ये मिक्स करने के लिए होने चाहिए। इन बिटवीन मैं क्या करती हूँ, जो पोहा का पाउडर बनाया था उसको मैं आलमंड के साथ मिक्स करने के लिए मिक्सर में एक बार ग्राइंड और एक बार मिक्सिंग कर लेती हूँ अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों,
जय गणेश देवा। अभी क्या है, मेरा मिक्सर पूरा रेडी है। अभी इसको डालना है जगरी में, तो जगरी के साथ ये डालने के बाद कंटिन्यूसली इसको चलाना है, क्योंकि जगरी के साथ अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। इसलिए माता या की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता या की पार्वती पिता महादेवा। देखिए दोस्तों, मेरा पाक ऑलमोस्ट रेडी है। अभी क्या करना है, मैं थोड़ा सा बटर यहाँ पर दूंगा, उसके बाद दूंगा थोड़ा सा किशमिश। इसके साथ मैं बटर के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा। मैं ऐसे ही किशमिश को लड्डू में दे सकती थी, यानी कि पोहा का जो पैक बनाया है, पक बनाया है, लेकिन क्या होता है, बटर के साथ फ्राई करने से ये ना और भी बढ़िया होता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही चलाना है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, मैं गार्निशिंग के लिए कैजू नट को ऊपर में दूंगा, इसलिए मैं कैजू नट को भी बटर के साथ थोड़ा सा फ्राई भी कर लूँगा। तो मेरा पोहा लड्डू के लिए सब कुछ रेडी है, तैयार हो गया। सिर्फ इसको सेब में लाना है, तो गरम गरम ही करना है, नहीं तो ये सेब में नहीं आएगा लड्डू। अभी मैं क्या करूँगी, लड्डू को सेब में ला रही हूँ और मिडिल में काजू नट को देकर मैं सर्व करूँगी। ठीक है दोस्तों, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मेरा सेकंड रेसिपी है मलाई लड्डू। मलाई लड्डू बनाने के लिए मैंने बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाती भी हूँ, और इसमें मैं एक चीज़ यूज़ किया हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है उसमें, वो ये है कि काजू नट को मैं थोड़ा सा बटर मिक्स के साथ फ्राई कर लेती हूँ। ये मैं मलाई लड्डू के स्टफिंग में देती हूँ, बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों, बहुत ही। जय गणेश देवा। पैन में मैंने काजू नट और बटर दिए दिए हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ही चलाना है स्पैटुला से, लाइट ब्राउन करके फ्राई करना भी है। जय गणेश देवा, पिता महादेवा, जय गणेश देवा। अभी मैं 1 कप मिल्क पाउडर यूज़ किया हूँ, यहाँ पर डाल दिया ऑलरेडी। इसको ऐसे ही थोड़ा सा चलाना है। इसके बाद मैंने 1/2 कप मिल्क दे दिया, मिल्क को भी ऐसे ही चलाना है, मिक्स करना है अच्छे से। मैं इसके साथ गर्म पानी भी दे सकती हूँ, लेकिन गर्म पानी के जगह मिल्क देने से ये और भी पूरा खीर जैसा लगता है दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से मैं बनाती हूँ, और ये स्वादिष्ट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। मिल्क पाउडर ऑलरेडी इसमें शक्कर है, इस और दूध मिला के, यानी कि मिल्क मिला के, और भी ये ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैंने शक्कर नहीं देती हूँ। आप लोग चाहे तो 1/4 कप शक्कर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अभी इसको क्या करना है, अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है, यानी कि पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए मिल्क। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता या की पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश। अभी क्या है, ये ऑलमोस्ट हो गया है तैयार। अभी क्या करना है, इसमें थोड़ा सा छोटी इलायच का जो मैंने क्रश करके रखी हूँ उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। डाल दिया, अच्छी तरह इसको मिक्स भी करना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा तैयार हो गया है, कुक हो गया है। अभी क्या करना है, इसको ऐसे ही गरम गरम पकाना है।
है ना दोस्तों। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथ में लगा दिया, इससे ये अच्छी तरह से मैं जैसे लड्डू को पका सकूँ। तो मिडिल में मैंने जो कद्दू नट को फ्राई करके रखे थे उसको मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। हाँ, तो अभी इसको थोड़ा सा राउंड शेप में लाकर मैं प्लेट में सर्व करूँगी। सर्व करने के टाइम मैंने आलमंड पाउडर के साथ गार्निशिंग कर रही हूँ। मेरा थर्ड रेसिपी है मिलेट लड्डू। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही हेल्दी है, बिल्कुल ही स्वादिष्ट भी है। तो क्या करना है देखो, मैंने यह 1/3 कप मिलेट यूज़ किया है। इसको मैं अच्छी तरह से रोस्टेड करना है दोस्तों। जब तक ये रोस्ट में ना हो जाए ऐसे ही इसको चलाना है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अभी क्या करना है दोस्तों, इसको अच्छी तरह ग्राइंड भी करना है। तो मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड भी कर लिया। अभी क्या करना है, आलमंड देना है, इसलिए आलमंड पाउडर भी मैं बना रही हूँ। अभी इसके साथ मैं नारियल भी दूंगा दोस्तों। यस, मैं नारियल को के साथ छोटा सा इलायच, छोटी इलायच दो यूज़ किया है, डाला है। इससे ये बहुत ही बढ़िया स्वाद होता है नारियल के साथ छोटी इलायच। अभी क्या करना है, इसको पैन में डालना है। इसके साथ क्या डालना है दोस्तों, शक्कर डालना है। शक्कर मैंने 1/4 कप यहाँ पर डाल रही हूँ। तो क्या नारियल के साथ शक्कर मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कंटिन्यूसली इसको चलाना है बहुत ही धीमे आँच में, लो फ्लेम में। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माताया की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। अभी क्या कर रहा हूँ, इसको मिलेट पाउडर को डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह यहाँ मिक्स होना है, अच्छी तरह से इसको ऐसे ही स्पैटुला से चलाना है। तो ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसके बाद यहाँ पर जो आलमंड पाउडर मैंने बनाया है, आप ही के सामने देखी भी है आप लोग, तो उसको भी डालना है। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे डालना है, डालकर इसको अच्छी तरह सब कुछ मिक्स करना है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माताया की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। अभी क्या करना है, इसमें मैं थोड़ा सा बटर यूज़ करूँगी, इससे इसका स्वाद और भी बढ़िया होता है दोस्तों, स्वाद भी बढ़िया होता है। तो बटर के साथ इसको धीरे धीरे मिक्स करना है। जय गणेश जय गणेश देवा, माताया की पार्वती पिता महादेवा। माताया की पार्वती पिता महादेवा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैं कितनी कम समय में 3 रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाती भी हूँ। पूजा के टाइम घर में बहुत सारा काम होता है, लेकिन डिज़र्ट यानी कि स्वीट भी बनाना ही है ना दोस्तों। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगी, 1/4 कप मिल्क डालूँगी। उसके बाद ये जब पूरा मिक्स हो जाए, मेरा मिलेट लड्डू पूरा तैयार भी हो जाएगा। तब ये मिल्क देने से ना ये और भी स्वादिष्ट होता है दोस्तों। आप लोग ये मिलेट लड्डू 2 हफ्ते तक आराम से बाहर कोई भी डब्बा में रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती दोस्तों। जय गणेश जय गणेश देवा। दोस्तों अभी इसको प्लेन में डालने का टाइम आ गया है। तो प्लेट में डालने के बाद ही तुरंत ही इसको पकाना भी है ना दोस्तों। तो अभी क्या करना है, इसको अच्छी तरह पकाना है लड्डू को, उसके बाद ही इसको सर्व करना है।
गरम गरम नहीं पकाएंगे तो लड्डू अच्छी तरह नहीं सेव आती है दोस्तों। देखिए मैं लड्डू को पक दे रही हूँ, अभी मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता श्री पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। एंड द फोर्थ रेसिपी इज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना गणेश पूजा अधूरी है। इसका नाम है मोदक। मेरा मोदक का नाम है ग्रीन मैंगो फ्लेवर मोदक। मैं ये पहली बार यूट्यूब में ये मोदक का रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप लोग जरूर घर में बनाएगा, है ना दोस्तों। तो मैं एक एक करके मोदक को मैं प्लेट में रख रही हूँ दोस्तों। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता श्री पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो मोदक बनाने के लिए पहले क्या करना था, मैं काजू नट को थोड़ा सा फ्राई कर लिया बटर से। अभी मैं इसके मिल्क पाउडर यहाँ पर मैंने 1/4 कप करके दो बार लिया हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ही चलाना है, जैसे मलाई लड्डू में भी मैं कट चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ इसके बाद थोड़ा सा मैं मिल्क भी डाल रही हूँ, इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तब तक इसको ऐसे ही चलाना है, ये जब तक मिक्स ना जाए ऐसे ही चलाना है। तो मेरा ये भी तैयार हो गया। अभी मैं इसके साथ मिल्क आलमंड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसके ये और भी बहुत बढ़िया स्वाद होता है दोस्तों। और मैं क्या यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, फ्लेवर मैंगो, ग्रीन मैंगो फ्लेवर एसेंस। ये कई जगह अलग अलग से मिलता है, यानी कि कलर अलग से और फ्लेवर अलग से, आप वो भी ले सकते हैं। तो अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको और भी अच्छी तरह मिक्स करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिल्क डालूँगी, इससे ये बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए ऑलमोस्ट थोड़ा मिक्स हो गया है। अभी मैं काजू नट को डाल रही हूँ जो मैंने मिक्स करके रखी हूँ वहाँ पहले से। तो इसको अभी ऐसे ही चलाना है दोस्तों, पूरा मिक्स करने के लिए ऐसे ही स्पैटुला को चलाना पड़ता है। लड्डू बनाने के टाइम कंटिन्यूसली स्पैटुला को ऐसे ही ना करे तो लड्डू अच्छे से पकता भी नहीं, अच्छे होते भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा बटर यूज़ किया है, इससे ये और भी बढ़िया हो जाएगा। पर दोस्तों जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। अभी क्या करूँ मैं, मोदक का मोल्ड को मैं थोड़ा सा बटर देकर उसको ग्रीस कर लिया है, नहीं तो ये मोदक पूरी शेप में नहीं आएगा। देखिए मेरा पूरा शेप में ये मोदक अभी आ रहे हैं। मैं एक एक करके मोल्ड में देकर ये ग्रीन मैंगो फ्लेवर मोदक बना रही हूँ। आप लोग मेरा ये रेसिपी जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं 4 स्वीट डिश कितने आसान तरीके से बनाती हूँ उसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप जरूर देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा मिस हो जाएगा। क्योंकि एक रेसिपी नहीं है, पूरा 4 रेसिपी है एंड बिल्कुल अलग तरीके से मैं बनाती भी हूँ। तो आप लोग जरूर ये घर में ट्राई कीजिएगा, और कैसे हुआ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ज़रूर। कैसे कोई भी, मैं अगर और भी अच्छी तरीके से बना सकती हूँ तो वो भी मुझे देखिए बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, है ना दोस्तों। जो मेरे चैनल में नया है जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।
जय गणेश जय गणेश देवा, माताया की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माताया की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माताया की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश पिता महादेव।